अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। गुड मॉर्निंग, आई एम मृत्युंजय कुमार फ्रॉम RDS स्मार्ट स्कूल। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई नियमित चल रही होगी, है ना? तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है लिस्नर स्टूडेंट्स, कास्ट ऑफ नाउ, संज्ञा की जाति का आज बारे में पढ़ेंगे, कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग को कहीं नहीं जाना है, ब्रेक नहीं लेना है, आज आप लोग को लगातार वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आज जो यूनिक वर्ड एक कास्ट जो है उसके बारे में हम लोग को समझना है, कास्ट क्या है, कास्ट ऑफ नाउन, नाउन की कास्ट क्या है, जाति। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, मैं कास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो कास्ट है, कास्ट के नाम पे हमारे समाज में, हमारे आसपास में बहुत सारी गलतफहमियां और भ्रष्टाचार और बहुत सारी बुराइयां फैली हुई। तो आज हम लोग को ये समझना है रियल में कास्ट क्या है, क्या कास्टिज्म है, जाति क्या है, रियल में हमारे प्राकृतिक में कौन कौन सी कास्ट हैं। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, आज बने रहना है लास्ट वीडियो तक, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं रहेंगे तब तक इस टॉपिक्स का डिस्कस और टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ आखिर कास्ट क्या है। मैं क्यों कास्ट शब्द का उपयोग यहां पे किया हूं, क्यों कास्ट वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट सेंस है। तो रेडी स्टार्ट होते हैं हम लोग। जेंडर ऑफ नाउन, कास्ट ऑफ नाउन, आज यहां पे आपके बोर्ड पे टॉपिक्स लिखा हुआ है जेंडर एंड इट्स काइंड, यानी कि जेंडर इज ऑल्सो नाउन कास्ट ऑफ। हम लोग को कास्ट के बारे में पढ़ना है, नाउन क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं, नाउन के बारे में मैं आप इस दुनिया में जो भी आपके आसपास में जो वस्तुएं नजर आ रहे हैं वह क्या है, उसे क्या कहा जाता है, वो नाउन का एग्जाम्पल है। तो इस नाउन का कास्ट क्या है, हमारी आपकी क्या कास्ट है? तो आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, रियल में कास्ट क्या है। आज समाज में जो भ्रांतियां अंधविश्वास फैले हुए हैं उस अंधविश्वास को से आज हम लोग को क्या करना है, रूबरू होना है, क्या रियल में कास्ट है, क्या जाति। क्लियर? कास्ट ऑफ नाउन यानी कि जेंडर एंड इट्स काइंड, या कास्ट एंड इट्स काइंड, कंप्लीट। यहां पे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, डियर लिसनर, जेंडर दैट रिफर्स टू द कास्ट ऑफ नाउन, क्या? जेंडर दैट रिफर्स टू द कास्ट ऑफ नाउन, जेंडर क्या करता है, रिफर्स टू द कास्ट ऑफ नाउन। जेंडर वह है, वह शब्द जिसके द्वारा संज्ञा की जाति का बोध हो, जाति इंडिकेट हो, वही क्या है, जेंडर है। डियर स्टूडेंट, डियर लिसनर, आज जाति के नाम पे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत सारे बुराइयां करते हैं। रियल में क्या कास्ट है समझना है, क्या कहता है जेंडर, जो क्या है आपका जेंडर क्या है, जेंडर दैट रिफर्स टू द कास्ट ऑफ नाउन। नेचर प्राकृतिक के अनुसार मेले हम लोगों को कितने कास्ट का, कास्ट का क्या कैटेगरी है, उस कैटेगरी को आज पढ़ना है हम लोग को, अकॉर्डिंग टू नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ईश्वर और प्रकृति के अनुसार हमारे कितने कास्ट हैं, हम लोग कौन कौन से कास्ट के कैटेगरी में
आते हैं। आज हमारे समाज में जो कास्ट फैला हुआ है वह नेचर का कोई कास्ट नहीं है। आप कोई धर्म कोई ग्रंथ उठा के देख ले, वहां कोई जाति और पाति का कोई उल्लेख नहीं है। धर्म यह नहीं सिखलाता है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ यह नहीं सिखलाता है कि जाति एक दूसरे जाति से ईर्ष्या द्वेष करें। मेनली रियल में यदि आप हम सभी इस कास्ट को समझ लेंगे तो जो भी आज हमारे समाज में कास्ट के लिए जो बुराइयां भ्रांतियां गलतफहमी जो फैले हुए हैं उसमें आप उसको समझने और परखने में आपको क्या होगा स्पष्ट होगा। क्योंकि यदि इस दुनिया में कास्ट होता तो आप जिस समय जन्म लेते हैं उसी समय आपको कास्ट पता चल जाना चाहिए था कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये जो आज हमारे समाज में हमारे आसपास में जो कास्टेज में जो कास्ट जो बनाया हुआ है यह इस धरती पर ही हम जैसे व्यक्तियों ने उसके वर्क के अनुसार फंक्शन के अनुसार कैटेगरीज कर दिया गया है और आज उसी भ्रांतियों को लेकर लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। नहीं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है और जो जैसा कर्म करता है उसको उस तरह से कैटेगरी में क्या होता है क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे आज भी आप देखते हैं जो डॉक्टर है उनको डॉक्टर कहा जाता है, यानी कि जो मरीज को रोगियों को देखने का काम करता है डॉक्टर नर्स ये सारे कुछ बोल जाते हैं। जो अध्यापन का काम करते हैं उन्हें टीचर कहते हैं, जो खेत में काम करते हैं उन्हें फार्मर यानी कि किसान कहते हैं। तो इस तरह से उनके फंक्शन एक्टिविटी के अनुसार कैटेगरी किया गया था लेकिन लोग उसको क्या कर लिए अपने जीवन में ढाल कर और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष और बैर की भावना रखने लगे हैं। डियर लिसनर डियर स्टूडेंट, तो आज आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, बने रहना है। तो चलते हैं फिर हमारा क्या टॉपिक्स है। जेंडर एक्ट रिफर्स टू द कास्ट ऑफ नाउ, क्लियर। यदि इस धरती का जो कास्ट है और उस कास्ट से लेकर अगर हम चलते हैं, हमने अपने दैनिक जीवन में उस कास्ट को लेकर चलेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतनी सारी गलतफहमियां और बुराई भरे हुए हैं कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी लिसनर ऑडियंस और स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा, इस मानव निर्मित कास्ट से अलग रहकर इस संसार में इस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करना है। कंप्लीट, तो चलते हैं यहां पे। क्या है जेंडर? जेंडर डायरेक्ट रिफर्स टू द कास्ट ऑफ नाउन। जेंडर क्या करता है, क्या रिफर्स करता है, क्या बोध कराता है जेंडर? जैसे ही वर्ड आपके पास आता है, आप जैसे ही जेंडर सुनते हैं तो समझ लीजिए कि कास्ट नाउन का कास्ट है, कास्ट ऑफ नाउन। कंप्लीट कास्ट। अब नाउन का कास्ट क्या है, कास्ट को कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। इन अदर वर्ड्स जेंडर क्या कहते हैं, द फैक्ट बीइंग क्या, द फैक्ट बीइंग मेल फेमेल, आइदर मेल और फेमेल और लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज जेंडर। डियर लिसनर डियर स्टूडेंट, यहां पे हम लोग को क्या कर रहे हैं, फाइनली हम लोग क्या कहते हैं, द फैक्ट बीइंग वह सत्य वह वास्तविकता जिसकी द्वारा हमें यह बोध होता है कि या तो वह मेल है या फेमेल है, या मेल और फेमेल दोनों का बोध जिस वर्ड से होता है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट का बोध होता है वही क्या है, जेंडर है। क्लियर। फॉर इंस्टेंस किंग बॉय क्वीन मदर बो पेरेंट, ये सारे जो है से क्या है, कास्ट ऑफ नाउन है। ठीक है, मैं पहले भी बताया था, अब इसके बाद
नाउन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किंग, बॉय, क्वीन, मदर, बुक, पेरेंट, इस सारे जो है से क्या है, नाउन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कास्ट, काइंड्स ऑफ कास्ट, काइंड्स ऑफ जेंडर, कास्ट के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो जितने भी इस धरती पे नॉन है उन्हें चार वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। क्या? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। यानी कि इसको यह भी बोल सकते हैं मैस्कुलिन कास्ट, फेमिनिन कास्ट, कॉमन कास्ट और न्यूट्रल कास्ट। फाइनली तो अब हम लोग इस सारे टॉपिक्स को डिस्कस किए, टॉपिक्स को डिस्कस करने में ही हमें समझ में आ गया कि इस सृष्टि पे, इस धरती पे नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से कितने कास्ट हैं? 4 कास्ट है, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, एक क्या, कॉमन और एक न्यूट्रल। ई कास्ट का कैटेगरीज है। अब चलते हैं कौन कौन से मैस्कुलिन कास्ट में आते हैं, कौन कौन से फेमिनिन कास्ट के कैटेगरी है, कौन कौन से जो है कॉमन का कैटेगरी है और कौन कौन से न्यूट्रल कास्ट का कैटेगरी है। क्लियर? तो चलते हैं। अब यहां पे हम लोग को समझना है, जैसे किंग क्या है, किंग एक वर्ड है, और एक किंग का, किंग किस कास्ट से बिलोंग करता है, किंग जो है किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, किंग यानी कि राजा, कंप्लीट जेंडर डैड रिफर्स टू मेल, यानी कि वह जेंडर जो क्या करता है, जेंडर मेल, जब मेल जाती, मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि, फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन यानी कि उभयलिंग और न्यूट्रल यानी कि नपुंसक लिंग। ठीक है, मैस्कुलिन मेल, फेमिनिन फीमेल, कॉमन बोथ मेल और फीमेल, न्यूट्रल लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। अब क्या है, चलते हैं। तो किंग, जैसे ही किंग स्पेल कर रहे हैं, जैसे ही किंग बोल रहे हैं, किंग यानी कि राजा, किंग किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किंग जो है से क्या है, मेल है, कौन सी कास्ट है, मेल है, बॉय का कौन कास्ट है, मेल है, क्वीन यानी कि रानी, स्त्री यानी कि फीमेल, मदर फीमेल, बुक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं है, जीवन अवधि इसका नहीं है कि हाँ इसका 15 साल तक एक समान अनुपात उम्र बताया जाता है, औसत उम्र बताया जाता है, तो इसका कोई औसत उम्र नहीं है। मनुष्य को जैसे अभी 50, 60, 100 इस तरह से हम लोग लाइफ स्पैन को क्लासिफाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो इस तरह से जो है वो पेरेंट। अब यहां पे बात आती है पेरेंट, पेरेंट क्या है, मदर एंड फादर, और गर्ल पेरेंट माता और पिता को क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है ये दोनों कास्ट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कौन से कास्ट है, दोनों है, यानी कि कॉमन कास्ट में बिलोंग करते हैं मेनली। फाइनली बुक जो हो गया ऐसे क्या हो गया, न्यूट्रल कास्ट यानी कि न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, डियर लिसनर्स, अब इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ क्या हम लोग पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ कास्ट, काइंड्स ऑफ जेंडर पढ़ रहे हैं, अब यहां लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टेप वाइज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर,
न्यूट्रल जेंडर का थोड़ा डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो आइए लोग डिस्कस करते हैं पहले मैस्कुलिन जेंडर के बारे में और मैस्कुलिन क्या है। वी लर्न अबाउट मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के बारे में समझते हैं मैस्कुलिन क्या है। आप यदि बॉय है तो आपका कैटेगरीज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं। यदि आप गर्ल हैं तो फेमिनिन है, वुमेन है तो फेमिनिन है, बॉय है मैन है तो मैस्कुलिन है। इस तरह से जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होगा वह क्या है, मेल। जिस शब्द से, जिस वर्ड से स्त्री जाति का बोध होगा वह क्या है, फेमिनिन है। और जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध करा होता है वह क्या है, फेमिनिन है। और जिस वर्ड के द्वारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वह क्या है, न्यूट्रल है। जैसे फॉर इंस्टेंस सपोज दैट आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है और ये क्या मार्कर जो है से क्या है, इसमें लाइफ है, लाइफफुल है, नहीं ना, ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। सो मार्कर इज न्यूट्रल सेंटर, दैट्स ऑल।